तो क्या चल सत श्रीकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एमसी स्टैन एंड पुनीत सुपरस्टार के बारे में। सो गाइस आप लोगों को पता ही होगा पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस ओटीटी में गए एंड पहले दिन में ही उन्होंने पूरा धमाल मचा दिया। दो ही गॉट एलिमिनेटेड बट उन्होंने एक इम्पैक्ट जरूर छोड़ के गया। तो या बिग बॉस ओटीटी के डे वन में जब प्रीमियर हो रहा था तब वहां पर एमसी स्टैन भी आए थे एज अ पैनलिस्ट या फिर जज कह लो आप। तो जब पुनीत सुपरस्टार का इंट्रो हुआ था तब एमसी स्टैन उनके बारे में बात करते हुए बोल दिए थे कि उनका कंटेंट थोड़ा सा क्रिंज है। अब ये चीज सुन के पुनीत सुपरस्टार के फैंस को बिल्कुल भी अच्छा लगा एंड ऐसे मल्टीपल ट्वीट्स आने लगे, हाउ इज दिस एमसी स्टैन कॉलिंग लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार क्रिंज, भगवान कॉन्फिडेंस तो स्टैन एमसी जैसा देना, खुद का कंटेंट क्वालिटी डैश जैसा होने के बाद भी दूसरों को क्रिंज बोल सके। एमसी स्टैन किंग ऑफ क्रिंज कंटेंट, लव यू पुनीत सुपरस्टार। एमसी स्टैन कॉलिंग लॉर्ड पुनीत ऑनलाइन कंटेंट क्रिंज, मीनवाइल हिम इन रियल लाइफ। सो या एज आई सेड पुनीत सुपरस्टार पहले दिन में एलिमिनेट कर दिए गए थे क्योंकि हाउस वोटिंग हुआ था एंड मैक्सिमम लोगों ने बोला कि वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो क्या फाइनली बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद वो इस चीज पर रिएक्ट किए क्योंकि ये वाला वीडियो वायरल जा रहा है? दोस्तों मेरे पे लाखों लोगों के मैसेज आए कि पुनीत भाई तुम्हारी वजह से हमने जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल कर दिया है, अब हम शो नहीं देखेंगे, क्योंकि पुनीत कुमार बाप था, बाप है और बाप रहेगा इंडस्ट्री का, इतने चाटे मारूंगा सालों। अब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को मैंने जाकर चेक किया, मेरे को तो ये वीडियो नहीं मिला, बट इस ट्वीट के नीचे मैक्सिमम लोग ये पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि पुनीत सुपरस्टार ने ये वीडियो को डिलीट कर दिया है। ऑल्सो इतना ही नहीं, आपको पता ही होगा फुकरा इंसान भी गए हुए अभी बिग बॉस ओटीटी में, जब उनका भी इंट्रो चल रहा था तब एक एबीपी के जर्नलिस्ट है वो उनको नकली हवा करके बोल रहे थे एंड उनके बारे में थोड़े से गलत सलत चीजें बोल रहे थे। सो या बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना ओवरऑल ओपिनियन दिए रिलेटेड टू पुनीत एंड फुकरा इंसान। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगर्ड इंसान कहे, दिस बिग बॉस ओटीटी सीम सस। आज तक इतने लोग आए जिन्होंने लड़ाई करी, गालियां दी एंड व्हाट नॉट, बट ऐसा कभी किसी को फर्स्ट डे पे आउट ऑफ नोवेयर वोट करके एलिमिनेट नहीं किया। लॉर्ड पुनीत जो मर्जी बोलो, टीआरपी तो दे रहा था बट बिन बात के वोटिंग करके निकाल दिया, टू सस। पहले तो फुकरा इंसान को नकली हवा बोल के वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट क्लियरली अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा था, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अभिषेक सेड टू जिया, विच आई अग्री वाजंट कॉल्ड फॉर एंड ही शुडंट हैव, बट ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड द सो कॉल्ड पैनल। ये इंडस्ट्री वाले विल ऑलवेज बी अनइन्फॉर्मड एंड लो की इग्नोरेंट ऑफ द रीच, फॉलोइंग एंड द लव यूट्यूबर्स गेट। ऐसा सिमिलर ट्वीट लक्ष्य चौधरी भी कहे कि कुछ इररिलेवेंट जजेस फुकरा इंसान को जैसे ट्रीट किए उनको बहुत गुस्सा आया इस चीज पर। लिटरली ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है यार कि ये ऑनलाइन वर्ल्ड कितना स्ट्रॉन्ग है एंड वो लोग ये फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि हम लोग अपने रूम में बैठ के कॉन्टेंट बना के उन लोग से ज्यादा रिलेवेंट हो गए। थगेश कहे, आई थिंक पुनीत सुपरस्टार डिड समथिंग वर्स देन ट्रबलिंग अदर कंटेस्टेंट्स व्हिच बिग बॉस इज नॉट रिवीलिंग, मतलब कि उनके हिसाब से कुछ अंदर की बात है, ये तो बस बहाना था उनको निकालने का। रचित्रू भी कहे, these dumb old uncles don't know how to respect a creator, I swear to god I felt so angry by seeing how they treated Fukra Insan in the Big Boss premiere, now I really want him to win. Puneet superstar ko bahut sara pyar dena hai apne ko, Puneet superstar ke sath jo bhi hua I think so ki itne lame reason ke wajah se nikalna bahut galat tha aur ghar wale log ko pooch ke in log ko ki aap log batao nikalna hai ya rakhna hai, that was very lame and actually he was entertaining, mere ko to maza aa raha tha pehle din dekh ke। एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने जल्दी किसी को निकाला है, तो आई डोंट सपोर्ट दिस। आई वॉन्ट पुनीत सुपरस्टार टू गेट बैक इन द हाउस वापस, आई थिंक सो वो वापस आ जाएंगे, बट आप लोग सब लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जाओ उनके सारे हैंडल्स पे मैसेज करो, डीएम करो एंड बोलो कि लॉर्ड अपने को वापस चाहिए ब्रो। While we're on this topic, तो क्या पुनीत सुपरस्टार का रीएंट्री हो सकता है, क्योंकि इतना टीआरपी दिए भाई वो बिग बॉस को, definitely it makes sense यार, उनका रीएंट्री होना चाहिए। मैंने भी जब एपिसोड देखा मेरे को तो बहुत ही मजा आया यार। तो इस चीज के बारे में पीपल कहे, पुनीत सुपरस्टार विल मेक अ रीएंट्री इन द हाउस, 100% कंफर्म्ड। तो या आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे सिचुएशन से रिलेटेड मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले बॉलीवुड फिल्म्स बैन के बारे में। सो गाइस दो दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि नेपाल काठमांडू के जो मेयर है उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि आदि पुरुष के डायलॉग से उनको प्रॉब्लम है एंड जब तक वो डायलॉग एडिट या फिर रिमूव नहीं होता है तब तक आदि पुरुष या फिर कोई भी इंडियन फिल्म को काठमांडू में वो स्क्रीन नहीं होने देंगे। उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था एंड जैसे ही 3 दिन हुआ कल उन्होंने ये बता दिया कि अब से कोई भी इंडियन फिल्म एटलीस्ट काठमांडू में स्क्रीन नहीं होने वाला है। बट क्या ये डिसीजन रिवर्स हो सकता है, क्योंकि आदि पुरुष के जो मेकर्स है उन्होंने कल बोल दिया कि आफ्टर द पब्लिक फीडबैक वो कुछ डायलॉग्स को रिवैम्प या फिर चेंज करने वाले हैं। आदि पुरुष के राइटर इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे कि उनके लिए ऑडियंस का फीलिंग से बढ़कर कुछ नहीं है एंड उन्होंने जो डायलॉग्स लिखे उसको डिफेंड करने के लिए वो काउंटलेस चीजें बोल सकते हैं बट इससे लोगों का पेन कम नहीं होगा, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि वी विल चेंज द डायलॉग्स। बट या एज यू गाइस नो आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस में तो धमाल मचा दिए, बहुत बढ़िया कलेक्शन हो रहा है उनका। 2 दिनों में इसका 240 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया है एंड 3 दिन में आराम से दे हैव क्रॉस दी 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन मार्क। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो गाइस रिसेंटली आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड व्लॉगर्स रिसेंट टाइम्स में एक्सपेंसिव कार्स एंड
बाइक्स खरीदने लगे। वेल इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, एल्विश यादव एकदम ओपनली बिजनेस मॉडल बता दिए, आप खुद सुन लीजिए। सब अलग अलग टाइप के बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट सबके अलग अलग टाइप की होती है। हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है, यही एसेट्स, ये एसेट्स है हमारे, ये डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। गाड़ी घोड़ा यूट्यूबर्स के लिए जो इस टाइप की व्लॉगिंग करते हैं, मतलब कि गाड़ी घोड़ा दिखाते हैं, उनके लिए ये अप्रिशिएटिंग एसेट। फॉर एग्जांपल मैंने कोई दूसरी ऑडी खरीदी तो वो मेरे को व्यूज़ देगी, व्यूज़ से पैसा आएगा। तो मैं मॉडल समझा रहा हूँ, मैं व्यूज़ से पैसा आएगा। कभी गाड़ी किसी को पैसा देती सुनी है, उल्टा लेती है, तेल का, सर्विस का, मेंटेनेंस का, सारी चीज़ों का। तो ये चीज़ें हमें देती हैं पैसा, तो इसलिए हम लोग इतनी गाड़ी बाइकें जो आप देखते हो ना, बाइक खरीद रहा कोई यूट्यूबर, कोई यूट्यूबर कुछ खरीद रहा, वो इसलिए खरीदता। हम कोई भी चीज़ लेने से पहले सोचे कितने दिन में कवर कर देगी ये सौदा। By the way, talking about business models, तो ज्ञान थेरेपी एक चीज दिखाए, फ्यूचर इज हियर गाइज। एंड नीचे उन्होंने दिखाया कि apparently कुछ ऑक्सीजन बार ओपन हुआ है दिल्ली में, जहाँ पर 15 मिनट ऑफ इनहेलिंग प्योर ऑक्सीजन के लिए 300 रुपए लोग पे कर रहे हैं। तो इस चीज पर उन्होंने कहा पहले पेड़ काटो फिर पब्लिक का काटो। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी के कल के व्लॉग में एक अनएक्सपेक्टेड फनी मोमेंट हुआ, आप खुद देख लो। आपने पप्पी ली थी मुझे गाइज, ये वही भैया है जिन्होंने हमको पप्पी ली थी। कैसे याद दिला रहे, याद है पप्पी ली थी भाई, ऐसे बोल रहे याद है पप्पी ली थी। अब तो नहीं लोगे? नहीं अभी, अब तो मॉल में है। अच्छा मॉल में नहीं तो ले लेते। नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम ने कल पोस्ट करके दिखाया कि उनको IMW बस से मोस्ट पॉपुलर एक्टर इन अ वेब सीरीज अवार्ड मिल गया है। तो इस पर उन्होंने कहा लव टू द एंटायर टीम ऑफ ताजा खबर एंड हैप्पी फादर्स डे टू माय बाबा, दिस वन्स फॉर हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले स्क्विड गेम्स के बारे में। तो गाइस आप लोगों को याद होगा कि जब स्क्विड गेम्स का सीजन 1 रिलीज हुआ था तब इसके अराउंड क्या इनसेन हाइप हुआ था, इट वॉज ट्रेंडिंग एवरीवेयर। कल इसके सीजन 2 से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकर्स ने बता दिया कि स्क्विड गेम रियलिटी सीरीज शो भी वो रिलीज करने वाले हैं, जो कि नवंबर में आने वाला है। आई गेस जैसा मिस्टर बीस्ट वीडियो बनाए थे, समथिंग सिमिलर टू दैट होगा। एंड या सीजन 2 से भी रिलेटेड उन्होंने कास्ट रिवील कर दिया है। तो क्या आप इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेजी चुकू ने कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, एंड मिश्राज हियर ने भी कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली खबरी बॉय को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट चाहते हैं कि यूट्यूबर्स ये चीज को बंद कर दें। या कुछ कमेंट्री यूट्यूबर्स जो मिस्टर बीस्ट के अराउंड वीडियोस बना रहे थे, वो उनके ऊपर काफी ज्यादा क्लिकबेट थंबनेल्स बना रहे थे, जैसे कि ये वाला। इसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं उनके डेथ से रिलेटेड उन्होंने कुछ लिख दिया ऐसे ही ट्वीट बनाकर। तो इस पर उन्होंने कहा कैन वी एंड द ट्रेंड ऑफ फोटोशॉपिंग फेक ट्वीट्स ऑफ माइन एज थंबनेल्स, थैंक्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले कैबी लेम के बारे में। तो रिसेंट टाइम्स में सोशल मीडिया में एक इंडियन फ्रूट वाला बहुत ज्यादा वायरल जा रहे थे, एंड इसके ऊपर कैबी लेम भी रिएक्ट करते हुए एक रील बनाए, आप खुद देख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क एंड जो बाइडेन के बारे में। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अकाउंट के तरफ से एक ट्वीट आया, इट्स अबाउट टाइम द सुपर वेल्दी स्टार्ट पेइंग देयर फेयर शेयर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फैक्ट दैट कि जो अल्ट्रा अमीर लोग हैं उनको ज्यादा टैक्सेस देना चाहिए। अब इलॉन मस्क तो रिचेस्ट पर्सन है, इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा प्लीज गिव हिम द पासवर्ड सो ही कैन डू हिज ओन ट्वीट्स, प्लीज आई एम बेगिंग यू। इन ऑल सीरियसनेस आई एग्री दैट वी शुड मेक इलैबोरेट टैक्स अवॉइडेंस स्कीम्स इलीगल, बट एक्टिंग अपॉन दैट वुड अपसेट अ लॉट ऑफ डोनर्स, सो वी विल सी वर्ड्स बट नो एक्शन। So will actually be forced to carry the burden of excess government spending are lower to middle income wage earners as they cannot escape payroll tax, pointing towards the fact that ki baat to unhone sahi kiya hai but isko practically apply karna kafi zyada tough hai and at the end of the day bhugatna kisko padega, lower to middle income wale logo ko। So ya to chal dosto aaj ki video ke liye bas itna hi, agar aapko ye video thoda sa bhi pasand aaya ho to like kar dena, channel ko bhi tak subscribe nahi kiya ho to jaldi se jaldi subscribe bhi kar lena, news submission ka link description mein, wahan se jaake aap kuch news bhejoge to aapko credits bhi mil sakta hai mere description में। तो यह ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।